जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ देख रहे हो इस व्लॉग में जादूगर आंचल का शो जो बीकानेर में चल रहा है 25 अगस्त से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस शो का आनंद लीजिए। उस दौरान हम गए और वहां पर शो देखा, तो आप उस शो के झलकियां देखोगे। तथा अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत तक अवश्य। जादूगर का ये शो शाम को 4 बजे और रात्रि 7:30 बजे चला और रविवार को ये दिन में 3 बार शो दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमने टिकट ली और अलग अलग रेट के हिसाब से टिकटों का वहाँ काउंटर लगे हुए थे, तो वहाँ टिकटें खरीदी। VIP सिल्वर अलग अलग रेट टिकटों के हैं। जादूगर के शो में मतदान के लिए प्रेरणा सूचक ये बोर्ड लगाया गया है, सभी मतदान करें, जादूगर शो देखने के लिए आए हुए हैं। इच्छा के साथ ले चलते हैं आपको सिंध पार की सफर, तेलस्वी नदी नदी सफर, मजीशियन नाचा के साथ। शो के दौरान सबसे पहले जो जादूगर आंचल की जो उपलब्धियां हैं और उनके जो द्वारा शो दिखाए गए हैं उनकी झलकियां वीडियो के माध्यम से वहां प्रस्तुत की गई, कैसे कैसे इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, विभिन्न प्रकार के स्टेज शो किए हैं, तो उन सभी की जो मोमेंट्स है वो इस पर्दे पर स्क्रीन के ऊपर दिखलाए गए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, देखने योग्य है। ये शो बहुत ही खूबसूरत माहौल में प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे हैं इस दुनिया में जो तरस ही नहीं खाते बस्तियां चलाने में। पेश होते हैं ज़िगज़ैग प्ले इम्पॉसिबल। We'll be right back.
तो ले जाएंगे कुछ वहां के लिए। लेकिन दोस्तों हम गए थे जापान और आपके लिए लाए हैं कुछ, और वो है तीन भूत, पेश करते हैं द थ्री घोस्ट्स ऑफ जापान देश के बीच एक भयानक कुआं था। उस कुएं के भीतर कोई भी जाता था एक ही सेकंड में गायब। क्या उस जमीन खा जाती थी या आसमान निगल पड़ता था, उसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया। पेश होते हैं वेल ऑफ जापान। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ऑडियंस से स्टेज पर बुलाया गया। दो बच्चों को इनवाइट किया था लेकिन इतनी सारे बच्चे पहुंच गए और उनका फिजिकल इंट्रोडक्शन करवाने के लिए लाइन बंद किया जा रहा है। बढ़िया खूबसूरत माहौल में ये शो चल रहा है। बहुत ही शानदार अलग अलग इवेंट देखने को मिल रहे हैं इसमें। कहाँ रहते हो? आपका नाम? विदेश दत्तगौर। विदेश, इधर आओ। विदेश कौन सा क्लास है? गर्वित मोहित लक्ष्य। गर्वित मोहित लक्ष्य, वाओ क्या दिन है। राइम मिल गया। ओके आप इधर आओ। शिवांशी, शिवांशी आपको किससे डर लगता है? चाचू। चाचू से? ओके और मम्मी। शिवांशी आपके चाचू को किससे डर लगता है? चाची से। अभी मैं कहा था मुझे इस एक्ट में दो बच्चों की जरूरत है, बट हमारे पास काफी सारे लोग हैं राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने एक म्यूजिक लगाएंगे, गाना लगाएंगे और उस गाने के ऊपर जो आप सब में से सबसे अच्छा डांस करेगा वो हमारे थ्रू पार्टिसिपेट करेगा। ऑडियंस, वैसे तो हम लोग पूरे शो में आपको वीडियो के लिए मना करते हैं लेकिन इस समय आपके बच्चे स्टेज पर हैं तो आप चाहें इनका वीडियो बना सकते हैं ताकि आप अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ इनके भी साथ चाहें शेयर कर सकें। तो किड्स रेडी, आप लोग रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 म्यूजिक। बच्चों ने खूबसूरत डांस किया बॉलीवुड के सॉन्ग बाला बाला के ऊपर। मस्ती भरे माहौल में बच्चे स्टेज के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। स्टेज पर आके डांस करना इट्स नॉट एन इजी थिंग, तो उस हिम्मत के लिए एक बार उनके लिए डबल तालियां आनी चाहिए बच्चों के। तो एज आई सेड कि मुझे दो बच्चों की जरूरत है तो एक आप आ जाओ, ठीक है? एक आप आ जाओ करते और आप बात करोगे मुझसे? नहीं चलो फिर।
बातें। आप दोनों जने यहाँ रुकेगा, बाकी आप सभी लोग वन बाय वन करके यहाँ से जा सकते हैं। इनके लिए साथ यहाँ उपस्थित रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग ऑन स्टेज। थैंक यू। आपका अंगूठा मुंह में लेके जोर जोर से चूस रहा है ना, दूध लेकर आना भैया के लिए। आपने ये जो दूध पिया, ये आपको कैसा लगा? मीठा लगा, तीखा लगा? मीठा लगा। आपने दूध में शक्कर डाली थी ना? नहीं डाली थी। भैया बोले उन्होंने दूध में शक्कर नहीं डाली, आपको दूध मीठा लगा। तो आप दोनों में से कौन झूठ बोलता है? आप झूठ बोलते हो या ये भैया झूठ बोलते हैं? भैया तू भैया झूठ बोलते हो? रोज बोलता। रोज बोलते हो मतलब आज ही बोला? आज तो नहीं बोला कि भैया झूठ बोलते। कार्तिक आप झूठ बोलते हो? अभी चेक करते हैं। और चेक करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे फूड इंस्पेक्टर को मिस्टर मनोज नवलानी। ज्यादा जोर से मत चलाना, डंडा आपके हाथ में आ जाएगी और आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। Thank you.
गया। करीब 12 फीट ऊंची इस स्टैचू के मुकुट में बनी 25 खिड़कियां धरती पर पाए जाने वाले 25 रत्नों का प्रतीक है और इस मुकुट के साथ किरणें संसार के साथ महाद्वीपों को दर्शाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैचू के तीनों साइड हमें लोहे के पाइपों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है ताकि स्टैचू को बाएं दाएं अथवा पीछे ले जाया जा सके। और इसका जो पर्दा बना है वो भी इस प्रकार है कि जब स्टैचू को हम नीचे से ढकते हैं तो ऊपर से ये आपको दिखाई देती है और जब प्लीज अपना एक हाथ आगे कर लीजिए और मेरे साथ साथ इस शब्द का आप सभी लोग दोहराइएगा। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। लालच में आके या किसी जाति धर्म समुदाय इन पे फोकस न करते हुए जिस भी पार्टी या शख्स में आपका भरोसा हो, जो भी आपको उचित उम्मीदवार लगता हो, आपके विवेक के हिसाब से उन्हें वोट दें, किंतु वोट अवश्य दें क्योंकि हमारा एक वोट हमारे देश का भविष्य बदल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ इस बार चुनाव में और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही पे समाप्त होता है। आपने इस ब्लॉक में जादूगर अंचल के इस शो की झलकियाँ देखी तो आपको निश्चित ही अच्छा लग गया होगा। तो इसके बारे में अपने विचार प्रकट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को आपको भी कभी मौका मिले देखने का तो अवश्य देखें। और ये जादूगर अंचल है, मूल रूप से राजस्थान से है तथा उदयपुर में फाउंडेशन से ये अपने कार्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं। खूबसूरत कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया बीकानेर के अंदर और आज तक हज़ारों की संख्या में इन्होंने अपने इस शो का आइटम पूरे विश्व में दिखलाए हैं। तो आपको भी कोई मौका मिले तो उसे देखें और उनका आनंद लें।